नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा के गांव अभेपुर के नजदीक ट्रैक्टर चालक की गलती के कारण हुई दुर्घटना, इकलौते बेटे की हुई मौत। फगवाड़ा सिटी थाना पुलिस ने मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक आरोपी को किया काबू। भीखीविंड की नगर पंचायत ने बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए नाजायज कब्जों को छुड़वाया। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी लिखित रिपोर्ट। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में दिन प्रतिदिन सड़क हादसों में इजाफा होता जा रहा है और वाहन चालकों की अनदेखी के कारण हर रोज कीमती जाने मौत के मुंह में जा रही हैं, जिसके चलते गत रात्रि नाभा ब्लॉक के गांव अभेपुर के नजदीक ट्रैक्टर चालक की गलती के कारण एक परिवार का इकलौता बेटा मौत के मुंह में चला गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर की एक तरफ की लाइट खराब होने के चलते सड़क पर आ रहा था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार कुलदीप सिंह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, जिस कारण वह ट्रैक्टर की पिछली तरफ जा टकराया और उसका मोटरसाइकिल ट्रैक्टर में फंस गया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के पारिवारिक सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को काबू कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। रात उधर आ रहे थे 6:30 बजे, ट्रैक्टर की लाइट एक थी जी, वो ट्रैक्टर ने बच मारे, उसके कारण हल बजे उसके सर से। हाँ जी, कल्ली कल्ली से? हाँ जी, कल्ले ही थे, घर वाले दे भी बुझ गए जी। साडा डेथ मौके ती हो गई? हाँ जी, मौके ती हो गई सी। उठे की ट्रैक्टर ने कदे शराब भी पीती हुई? हाँ, पीती लगदी है जी शराब। पहले तो सारे नु बहुत ही दुखदायक यह घटना जो साडे पिंड दे विच वापरी है। और इस लड़के की जो उम्र सी वो कुल 21 साल की उम्र सी। घर के नाल नाल साढ़े पिंड दे विच भी इस मौत दे नाल मातम जो उछ आ गया। सो बहुत ही दुखदायी घटना, ना पूरा होने वाला घाटा साढ़े नगर के इस परिवार को जो पिया। और पहला भी कुदरत की मार इस परिवार से रही है, पता नहीं क्यों कुदरत इन्हां नाल क्यों नाराज आ, ये कुदरत जानती है। पर बहुत ही ना पूरा होने वाला यह घाटा जो इस परिवार से साढ़े नगर में पिया, इसकी पूर्ति कभी भी हो नहीं सकती और बहुत ही माड़ा हो जो हो। लड़का सीगा मुंडा कुलदीप सिंह 21 साल, ये अपने पिंड नूं जा रहा सीगा, पिंड सुखेवाल कोल उहदा ट्रैक्टर के पिछे हल पाए सी, उहदे नाल एक्सीडेंट हो गया। तो मैं मौके पर पहुँच गया सी इतलाह मिलन ते, तो लड़का इंजर्ड सीगा, उहनूं व्हीकल का प्रबंध करके सिविल हस्पताल नाभा भेजा गया, जिथे उन्हूं डॉक्टर साहब ने चैक करके मृतक घोषित करता। तो मृतक कुलदीप सिंह दे चाचा बलजीत सिंह के बयान से मुकदमा नंबर 288 13/11/2022 अंडर सैक्शन 279-304 IPC दर्ज रजिस्टर किया गया। कपूरथला के फगवाड़ा सिटी थाना पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक आरोपी को 1,01,24,000 की ड्रग मनी सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी की स्कूटी की डिग्गी में से 2,000 से अधिक नशीली गोलियां भी बरामद की हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP फगवाड़ा जसप्रीत सिंह ने बताया कि थाना सिटी के SHO अमनदीप नाहर की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त आरोपी को काबू किया, जिसकी पहचान परमजीत लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है, ताकि आरोपी से आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। साडे मानयोग SSP साहब श्री नवनीत बैंस ते साडे SP फगवाड़ा मुख्तियार राय जी दी अगवाई दे विच असीं जिहड़ा है नशियां नूं ठल पाउण लई अणथक मेहनत जिहड़ी असीं कर रहे हां, उहदा सदका ही इह होया कि जिहड़ा असीं इक बंदा परमजीत लाल नूं काबू कीता ते उहदे तों 2,050 गोलियां दी जिहड़ी रिकवरी असीं 12 तरीक नूं कीती सी। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਵੱਖਰੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਵਾਰ 61,24,000 ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 40,00,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਮਨੀ।
विधानसभा क्षेत्र खेमकरण के अधीन आते कस्बा भीखीविंड की नगर पंचायत की ओर से भीखीविंड के बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए नाजायज कब्जों को छुड़वाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पंचायत के ईओ कमलजीत सिंह ने बताया कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कस्बा भीखीविंड में कई दुकानदारों की ओर से दुकानों के आगे नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं और यहां तक कि कई दुकानदारों ने पक्के तौर पर कब्जे करने शुरू कर दिए हैं, जिस कारण ट्रैफिक में काफी समस्या आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए उनकी ओर से सुबह तड़क सारी कार्यवाही करते हुए उक्त दुकानदारों से कब्जे छुड़वाए गए हैं, जिन्होंने नाजायज तौर पर सरकारी जगहों पर कब्जे किए हुए थे। उन्होंने बताया कि इनमें से एक ऐसा दुकानदार भी था जिसने सरकारी जगह पर पक्के तौर पर ईंटें लगाकर कब्जा किया हुआ था, जिस पर कार्यवाही करते हुए उसे गिरा दिया गया है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित रिपोर्ट भी थाना भीखीविंड को दे दी गई है। वहीं जब इस संबंध में कब्जाधारी दुकानदारों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। भीखीविंड से हलचल के लिए भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जो मैंने शिकायत मिली थी कि इतने बाजार च इंक्रोचमेंट काफी होने रही है, एक बंदे ने उसे पक्की इंक्रोचमेंट कर ली थी, ईटा ला गई सड़क ही डकी जाना चाहिए, जबकि कानून गलत है। सारी जगह जी है पब्लिक वास्ते हैगी है, लंघन वास्ते तो लोग करते पे ओके सड़क ही मली जान डे हूँ अं वह तो ढवाती है, वो ईटा भी लद के लै गए, ईवन परचे वास्ते भी लिख दिता उसे दर्ज कर ली। हूँ अं चौंक च आया, चौंक भी देखा तो बेवजह ही इतने सारी सारी सड़क मल के बैठे हुए हैं। इन्होंने अब वार्निंग दे चले हैं, जे इन्होंने शाम तक ना किया इन्हों समान भी चुका लेना, नाले इन्हों के परचे की कार्रवाई भी कर दे। पंजाब में गन कल्चर दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है और इसको लेकर राजनीति भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने गन कल्चर पर बोलते हुए कहा कि जो लोगों के लाइसेंसी हथियार हैं उनके साथ ही 80% आत्महत्या करने के मामले सामने आए हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार की ओर से 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट किया जाएगा कि किसके पास कौन कौन से हथियार हैं। उन्होंने कहा कि आजकल के पंजाबी गायकों को खुद चाहिए कि वे हथियारों को प्रमोट ना करें, क्योंकि वे कम समय में अधिक शोहरत पाने के लिए इस तरह के गीत गाते हैं। उन्होंने बब्बू मान और गुरदास मान की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बहुत ही बढ़िया पंजाबी सभ्याचारिक गीत गाते हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। वो सर्वे दसदा कि 80% जिहड़ियां सुसाइड दे केस ने अपने परसनल हथियारों के नाल है, घर दे विच एक दूजे नाल तूं मैं होई गुस्सा आया 2 मिनट का बस गोली मारी तो खत्म कर लिया अपने आप, तो उहदे विच कितें ना कितें ज़्यादा वो कितने मैंटली लैवल ठीक नहीं, जो उन्होंने मैडिकल प्रॉपर तरीके नाल नहीं होया, कोई बीमारी का शिकार ना हो बंदा। उहदे विच साडे मुख्यमंत्री साहब वालों जिहड़ा ऐलान किया गया कि जिहड़े पुराने लाइसेंस जिहड़े दित्ते गए ने उहदा ऑडिट हो रहा और 3 महीने के ऑडिट करना सारा, कि जे कोई लाइसेंस इदा के ट्रैप रिकॉर्ड के आ रहे हैं कि जिन्हां दे नाल कोई ऐसी घटनावां इंजाम दिता गया वो क्यों होया, इदा का कारण सब तो पहली गल तो है। अगली गल है कि अगले जिहड़े बनने हैं वो प्रॉपर सिस्टमैटिकली बन के वाकई रिक्वायरमेंट हैगी कि नहीं हैगी। अच्छ कल तो शौक बन गया जी, हरेक ही थार लई फिरदा, हरेक ही पिस्टल एक एक ट्रेंड जहा बन गया है ना, वो पंजाब के हालातों के मुताबिक पंजाब नूं जिहड़ा जी इस तरह की चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब बड़ा पीसफुल स्टेट है। सांसद गुरजीत सिंह औजला द्वारा न्यू अमृतसर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर सांसद औजला ने लुधियाना रेलवे स्टेशन की एक वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह उन्होंने दिल्ली जाते समय बनाई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवान विदेशों में भाग रहे हैं, जबकि लुधियाना सहित अन्य जिलों में प्रवासी भाई काम करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी भाई मेहनत मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान यहाँ काम ना करके विदेशों की ओर भाग रहे हैं, चाहे फिर उन्हें वहां पर कोई छोटा काम ही क्यों ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को प्रवासी भाइयों से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने रंजीत एवेन्यू में आयोजित सरस मेले का उदाहरण देकर कहा कि इसमें कई लोग आकर सामान बेचकर अच्छी कमाई करते हैं, ऐसे लोगों से नौजवानों को भी कुछ सीखना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। साडे बच्चे कही जांदे जी रोजगार है नहीं पंजाब नूं पिछे सुट्टा, ये मतलब एक दिन का मेरा 15 मिनट का बरतात है, बाद पता नहीं मतलब किमें इतनी सारा दिन इदा चलता। ये मैं तुहानू दसना चाहुंदा कि पिछले दिन ही मैनू लुधियाने तो दिल्ली जाने का मौका मिला, मैं शताब्दी लैनी सी, दिल्ली मीटिंग सी मेरी, जो मैं लुधियाने तो दिल्ली नू चलिया तो वाया स्टेशन तो मैं शताब्दी लैनी सी, मैं 15 मिनट पहले स्टेशन पर पहुँच गया और मैं गड्डी चो जो उतरिया तो चार फेरे देखा तो साढ़े प्रवासी भैन भरा स्टेशन के बाहर भी अंदर भी उही मैनू दिसे,
ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਪਾਤੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਭਾਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਕੇ ਆਈ ਜੀ SPS ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਆਫਿਸ ਮੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਉਹਨੇ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ IG SPS ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਨਕੀ ਰੇਂਜ ਕੇ ਅੰਡਰ ਮੇ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਭੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੋ ਕੇ SP SSP ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਕੇ ਸਾਥ ਲਗਤੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਓ ਕੀ ਸੀਮਾ ਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇ ਕੜੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਏ ਜਾਏਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਓ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ ਪਰ ਵੀ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਹੀਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਗੋ ਸੇ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ, ਕਹੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਇਸਕੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਕੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟ ਜੁਆਇਨ ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਲੋਕਲ SSP। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰੱਗਸ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਏਰੀਆਸ। ਵੀ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ ਟੁਗੇਦਰ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅਰਲੀ ਆਲਸੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਐਟ ਦ ਅਰਲੀਸਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਕਸਪੀਡੇਟ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆਲਸੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਏਰੀਆਸ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। IPS ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾ ਪਦਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਦਭਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਔਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਸੇ ਨਿਭਾਏਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਗਾ। ਸਮਾਜ ਕੇ ਗਲਤ ਤੱਤਵੋ, ਗੈਂਗਸਟਰੋ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੋ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀ ਤਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇ ਲੀਏ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ AIG ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ
और सारे ही ऑफिसर्स की कोऑपरेशन के नाल इनू जिहड़ी है ये ड्यूटी है उन्हें निभाने की कोशिश करांगे। अमृतसर से लोकसभा सांसद गुरजीत सिंह औजला अमृतसर के प्रेस क्लब में पहुंचे, जहां पर प्रेस क्लब अमृतसर के प्रधान राजेश गिल, उप प्रधान अनिल शर्मा, सुनील खोसला व अन्य सदस्यों की ओर से गुरजीत औजला का स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल ने प्रेस क्लब की इमारत की देखरेख और उन्हें आ रही मुश्किलों के बारे में सांसद को अवगत करवाया। इस मौके पर पत्रकारों को विश्वास दिलाते हुए गुरजीत औजला ने कहा कि अमृतसर गुरु नगरी है, जहां पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं और अमृतसर के प्रेस क्लब का स्थान भी ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि वे सांसद फंड के अलावा डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन को भी इस काम के लिए फंड देने के लिए कहेंगे। इस दौरान उन्होंने प्रेस क्लब की इमारत का निरीक्षण भी किया और जल्द ही फंड जारी कर प्रेस क्लब की इमारत की मुरम्मत और रख रखाव के लिए आश्वासन दिया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मौजूदा सरकार का फाइनैशियल क्रंच होने करके जोड़े काम असं चाहते हैं, क्योंकि एड्डा वाला संस्थान है बिना पैसे तो नहीं चलता, या जोड़ा इतने काम होने वाले ने वो भी पैसे तो बिना नहीं हो सकते। तो असी बड़ा इस गल का धन्यवाद करते हैं MP साहब का कि उन्होंने बड़ा होल हार्टडली इतने आके गल कही है कि इसते जिन्हें भी काम होने वाले ने रेनोवेशन होनी है, रंग रुंग होना है या लैंडस्केपिंग है या जो भी जिस तरह के भी काम होने ने, इन का कहना कि भावें जिन्हें मर्जी पैसे लगन वो ये उन्होंने करवाएंगे डी साहब ना मिलकर या जिस तरह भी इन्होंने करवाना वा, ही नोज़ टैक्निकली कि इसको किवें कराना सारा काम और छेती तो छेती ये जो काम सारा शुरू हो जाएगा। मेरे सारे पत्रकार वीरां यही बेनती है कि आप जिहड़े आ मिलजुल के इस प्रेस क्लब में देखो अज भी जिहड़े एग्जैक्टिव मैंबरस आए हैं इसे करके कि सारे के सुझावों की सारे के सहयोग बहुत ज़्यादा लोड़ है। ये काफ़ी त्रुटियां ने और आने वाले दिनों के इन त्रुटियां MP लैड फंड तो राही असी दूर करांगे। जिहड़ी जिहड़ी भी लोड़ होगी प्रेस क्लब दे नूं उहनूं ठीक करांगे, क्योंकि जिहड़ी अमृतसर प्रेस क्लब है इहदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर तो लोग राजनीतिक और समाजिक हस्तियां आउंदियां ने और बड़े बड़े अफसर साहबान भी इत्थे आउंदे ने, खिडारी भी इत्थे आउंदे ने, उन्हां नूं एक जगह चाहिए थी जिते अपने हाव भाव रख सकन। कोई शक नहीं कि प्रेस उन्हां नूं दरबार साहब जाके जरूर गलबात करती है जां कितें होर मौका लभे, पर जे वह प्रेस क्लब च आ के गल करिया करनगे तो चंगा संदेश होर वधिया दे सकदे आ। सो अंतरराष्ट्रीय शहर होण करके इत्थे प्रेस क्लब का होना बहुत जरूरी सी, जो कि पिछले समय ये बनिया आ और इहदी जिहड़ी रिपेयर है जां कोई रेनोवेशन है जां होर जिहड़ियां लोड़ां ने वो साडा फर्ज बनदा पूरियां करके देण दा। सो मैं उहदे वास्ते इन्हां नाल गलबात हो गई है, एस्टीमेट जो भी बनेगा जिन्ने भी पैसे लगनगे उहदी कोई चिंता नहीं। ये प्रेस क्लब आपां वधिया रखना, क्योंकि ये निरपक्ष और सही जिहड़ा चौथा थंब हुंदा है जिहड़ा सोसाइटी दा जिहनूं कह दिंदे आ वो इन्हां राही ही बनाया जा सकदा। ट्रैफिक नियमों के तहत दोपहिया वाहन वालों को हेलमेट डालने और फोर व्हीलर वालों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी बताया गया है, लेकिन जालंधर के पॉश एरिया मॉडल टाउन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। लोग अपनी मनमर्जी से ट्रैफिक नियमों को दरकिनार करते हुए नजर आए, जिसके चलते मॉडल एरिया में पुलिस की ओर से नाका लगाया गया, लेकिन इस दौरान गाड़ी में किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी और ना ही दोपहिया वाहनों वालों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसके चलते पंजाब पुलिस की ओर से नया प्रयास किया गया है, जहां पर इन लोगों को चालान की बजाय एक फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। ACP मॉडल टाउन रणधीर कुमार ने बताया कि वह लोगों को लगातार ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, पर लोग कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं, जिस कारण उनकी ओर से एक सप्ताह के लिए मुहिम चलाई गई है, जिसमें वह लगातार लोगों को जागरूक करेंगे, जिसमें अगर किसी ने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसे जुर्माना किए बगैर और ना ही नोटिस दिया जाएगा, बल्कि उन्हें फूल भेंट किया जाएगा ताकि वह आगे से हेलमेट या सीट बेल्ट लगाकर सड़कों पर उतरे। जालंधर से हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। फूल फ्लावर रोज दे फ्लावर ते वाइट फ्लावर उन लोगों ने अपा दिए हैं जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं, जिमें कि सीट बेल्ट नहीं पाई है, हेलमेट नहीं पाया है। ये अवेयरनेस वीक चलूगा लोगों नू अवेयर करने लई कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए जी। अगले एक वीक तो बाद अपा ट्रैफिक ड्राइव चला के ट्रैफिक वायलेटर नू अपा चलान भी करेंगे। थैंक यू सो मच। एक हफ्ते तक चलान तो फ्री है जनता जी? चलान तो फ्री नहीं है जी, अपा अवेयर कर रहे हैं
ਆਪਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਚਲਾਨ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਕ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਫੋਰਸ। NRI ਦੁਆਰਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਵਿਵਾਹ ਕਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇਕਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲਾਲਚ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਭੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਰਾਜਨਗਰ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि वह NRI के घर में काफ़ी लंबे समय से केयर टेकर का काम करती है और NRI घर में अकेला रहता है, जिसने उसे बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है और वह उसके साथ विवाह कर उसे बाहर ले जाएगा। महिला ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति का बेटा भी इस साजिश में शामिल है। वहीं इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित महिला शिवसेना नेताओं के साथ ADCP सिटी 2 आदित्य को मिली। इस संबंध में जानकारी देते हुए ADCP ने कहा कि फिलहाल यह मामला पुलिस के ध्यान में आ गया है, इसकी जांच करवाई जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मेरे घर के सामने कोई NRI रहता सी, मैं उन्हां का रोटी बनाने जाती सी, कल्ला रहता है। उन्हें मैंने चांसा दे के मैं बाहर जावांगा, बाहर जाने के चक्कर 8 महीने मेरे नाल रिलेशन बनता रहा। वाई वो गल गल तो मुकर जाता से, वो थ्रू एक मैं वीडियो क्लिप वह सबूत रखा। उस तो बाद मतलब भी मैं उसे कंप्लेन दी, तो उन्होंने फोन बंद करके, तो बेटा भी है, बेटे नाल भी गल हुई, वो बाहरों आया हले 8-9 दिन हो गया। उस तो कंप्लेट दी, उन्होंने पता लग गया, इतों फोन करके स्विच बंद भज गए। प्रशासन वालों ये जी कि जो है बंदी कार्रवाई कर देंगे, पर मैंने हर वारी ये इदा ही करके भेज देंगे, तो मैं किन्ने बार राउंड लगा चुकी है चक्कर। हूँ तुम लगता तो आश्वासन मिलेगा क्योंकि ADCP City 2 भी तुम मिल रहे हो? हाँ जी, देखो हूँ मैं तक उपर घर तक पहुंची है, शायद मेरे इंसाफ मिले। एक लेडी ने एलज किया है कि वो भी गल रिलेशन बनाए गए हैं और शादी करन दा जासा दे गए, वो जरा फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो इस तरीके की कंप्लेंट सू वसूली हुई है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा कि जो बैच के ACP है उन्होंने बुलाते हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि अभी तो राजीनामा करवा देंगे, पुलिस राजीनामा कदों तो करवाना? नो, देखो दिस इज अगर ए लॉ बड़ा क्लीयर है कि कोई भी कॉग्निटेबल ऑफेंस है, क्राइम अगेंस्ट वूमन है, तो ए अगर ऑफेंस मेड आउट होता है तो अकॉर्डिंगली FIR रजिस्टर होती है। तो आई विल चेक इन टू एंड आई विल वेरीफाई कि क्या बन क्या है मैटर क्या है, तो मेरे पास अभी कंप्लेंट अभी हुई है। पिछले लंबे समय से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की खाली पड़ी सीट पर आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से जगतार सिंह संघेड़ा को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस दौरान नव नियुक्त चेयरमैन ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से के रुके हुए कामों को पहल के आधार पर करवाने की बात कही। इस मौके पर अपना पद ग्रहण करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सभी काम पहल के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में से काफी फाइलें गायब हो गई हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। पिछली सरकारों द्वारा गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर लिए गए लोन पर भी उन्होंने कहा कि उसे भी सही ढंग से बचाया जाएगा और दुरुस्त किया जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हाँ, धन्यवादी हाँ अरविंद केजरीवाल साहब का, जो साढ़े राष्ट्रीय कन्वीनर ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, ते पंजाब के मुख्यमंत्री मानयोग भगवंत मान साहब, ते सारी केंद्रीय लीडरशिप, पंजाब की लीडरशिप, ते साढ़े बहुत ही प्यारे वलंटियर, इन्हों सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। और नाल ही मैं सारे नाल ही सारे दामा से अरविंद केजरीवाल साहब तो भगवंत मान साहब उन्होंने छावा से पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मैनू पता है कि जेडे अदारे का मैं चार्ज संभालिया आ, ये पिछले समय में एक तरह नाल जिन्हों आप इंटेंसिव केयर यूनिट कह दें, ये जलंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जलंधर, ये ICU से मैं कुछ होर भी चीज़ा पता लगियां भी, जेडे डिप्टी कमिश्नर साहब ने इत्थे दे वो इंचार्ज सके, हुण उस तो बाद उन्होंने काफ़ी हद तक जिन्हों आप कह दें हूँ कि ICU बंदे सपोर्ट सिस्टम से सगा तो उन्होंने सह नहीं आ रहा, तो किसी को पहचानता नहीं सी, उन्होंने काफ़ी हद तक इनू जिन्ना क डिप्टी कमिश्नर साहब को टाइम हों, क्योंकि DC साहब हमेशा ही सारे जिले के ओवर बिजी होंगे, तो थोड़े जे पहचान लग गए ये मतलब ये जी मतलब बॉडी ICU यदी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की पई सी। तो केजरीवाल साहब ने, तो भगवंत मान साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि इस ट्रस्ट नू तू ICU चो बाहर कढ़ना आ। बठिंडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से सेफ स्कूल वाहन नियमों की पालना ना करने वाले स्कूल वाहन चालकों के चालान काटे गए। इस दौरान पुलिस और सिविल प्रशासन अधिकारियों द्वारा सख्त हिदायतें दी गई हैं कि सेफ स्कूल वाहन पॉलिसी को हर हालत में लागू करवाया जाए।
इसी के चलते लगातार स्कूल वाहनों की चेकिंग की जा रही है और नियमों की पालना ना करने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज SI अमरीक सिंह ने कहा कि गत दिनों कई स्कूल के वाहनों के चालान किए गए थे और अब सेठ जोसेफ स्कूल की वैनों के चालान किए गए हैं। इस दौरान कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने भी कहा कि स्कूल की वैनें और कारें उनकी कॉलोनी के सामने आकर रुक जाती हैं, जिस कारण उन्हें अपने वाहन बाहर निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पहले असीं दिल्ली पब्लिक स्कूल भी की, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल भी की, अज सेंट जोसफ स्कूल दे आए हैं। जिन्हें भी सेफ स्कूल पॉलिसी के तहत वैनां चल रही है, जिन्हें बच्चे ज्यादा बैठे, जरूरत जो कुछ इस तरह कुछ त्रुटियां भी पाई गई, कैमरे नहीं लगे, जरूरत तो ज्यादा बच्चे बैठे है, फायर सेफ्टी है नहीं गई, ना फर्स्ट एड किट है, ड्राइवर ने यूनिफॉर्म नहीं पाई, उन्होंने असं चलान कट रहे। हाँ, इस तो पहला एक बार सारे प्रिंसीपल DC साहब ने भी मीटिंग की थी, उदू बाद असी खुद की है मीटिंग, सारे ड्राइवर बुला के इन्होंने यूनियन के प्रधानों बुला के की है, परंतु इन्होंने वालों इसते कोई असर नहीं होगा, उही चल सारा कुछ सिस्टम चल रहा। पहला मेरा नाम वरुणप्रीत सिंह बग्गा जी, मैं इतने नाल ही जोसफ कॉन्वेंट स्कूल के नाल जी सरकारी रिहायश है, इतने रहने जी आप। तो इतने समस्या ये आँगी जो स्कूल सवेरे मतलब स्कूल लगता है उदों गड्डिया वाले आए तकरीबन वो गड्डिया जमा गेट स्कूल के गेट तक लैके आए हैं, बच्चों उत्थे छड़ते हैं, तो फिर वो गड्डिया जो सारिया कट्ठिया हो जाए क्योंकि सड़क इन्नी चौड़ी नहीं हैगी जी, तो वो लोगों के घर मूहे पार्क करते हैं, मतलब खड़ा के चले जाते हैं। असं बेनती करते हैं, कहें भी ईवन कि साढ़े गल पेंदे आ, वो कहें भी तुम्हें की खड़ इतने की खड़ा थोड़े को है, साढ़े को कारा असं बच्चा लैके आए हैं आपका, तो असी स्कूल वालों को बेनती करते हैं जी, स्कूल वाले सानू ये गल कहते हैं भी साड़ी तो कोई जिम्मेवारी नहीं, पेरेंट्स नाल तुसीं गल करो। भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के प्रधान गुरनाम सिंह चुड़ूनी की ओर से पंजाब प्रेस क्लब जालंधर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 24 नवंबर को किसानी आंदोलन के 2 वर्ष पूरे हो जाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को छोटू राम किसानों के मसीहा के जन्म दिवस पर एक विशाल जनसभा अम्बाला के गाँव मोडा में की जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार को अपनी मांगों को लेकर नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को इस दिन गांव मोड़ मंडी से ही दिल्ली को कूच किया गया था और दोबारा फिर से इसी जगह पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार को चेताया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिन केंद्र सरकार के रेल विभाग की ओर से किसानी संघर्ष के दौरान जो पर्चे दर्ज किए गए थे उन्हें अभी तक रद्द नहीं किया गया, अगर 24 नवंबर तक वह रद्द नहीं किए गए तो रेल ट्रैक को अनिश्चितकालीन के लिए जाम किया जाएगा। MSP पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा MSP पर कानून बनाने का भरोसा दिया गया था, जो 2 वर्ष बीत जाने पर भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा संघर्ष छेड़ेंगे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिहड़े अज तक दे किसानां दे सब तो बड़े मसीहा होए ने, ते 25 तरीक नूं 2 साल पूरे हो रहे ने जदों आपां ने अंबाले तो बैरीकेड तोड़ के ते दिल्ली वल कूच कीता सी, ते इह दोवें दिनां दा मिलान है। ते 24 तरीक नूं इक वड्डा कट उसे जगह जिथों दिल्ली वल नूं कूच कीता सी, उस जगह दा नां मौड़ा है, अनाज मंडी है, उत्थे मौड़ा मंडी बोल रहे उस जगह अंबाले कैंट के नेड़े, तो उत्थे आपां प्रोग्राम कर रहे हैं। हरियाणा ते पंजाब दे किसान उत्थे इकट्ठे होणगे, तो उस तों बाद उत्थे ही बिल्कुल सामने रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक रोकांगे। उस असी चेतावनी सरकार नूं दित्ती हुई है कि जिहड़े रेलवे दे केस सी, सेंटर गौरमेंट ने साडे नाल वायदा कीता सी जदों अंदोलन समाप्त होया है, ते उहदे च उहनां ने MSP दी गरंटी दा वायदा कीता सी, सारे केस वापस लैण दा वायदा कीता सी, होर भी कई वादे उहनां ने किसानां दे नाल कीते सी जिहड़े पूरे नहीं उतरी सेंटर सरकार उसते, ते उहदे च केसां दा खास तौर ते स्पैशली है कि अजे असी RTI मंगी सी, तो सेंटर गौरमेंट ने दसिया भी हरियाणा के 12 केस दर्ज हैं, तो अजे सेंटर सरकार ने रेलवे ने कोई ऑर्डर नहीं किया कि केस वापस हो।
दर्जा 4 कर्मचारी एसोसिएशन शिक्षा विभाग जालंधर की एक विशेष मीटिंग जिला जालंधर प्रधान राजकुमार की अध्यक्षता में की गई, जिसमें एसोसिएशन को आ रही मुश्किलों के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पंजाब प्रधान विजय कुमार बिलासपुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर लवप्रीत सिंह, संजीव खन्ना, परमवीर सुरेंद्र कुमार, दविंदर सिंह, बलवीर राज, सुनील कुमार, रामचंद्र, रंजीत कुमार, राकेश कुमार, धर्मवीर और नीरज कुमार सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। सो बाकी जिलों तो भी सू इस तरह असं 13 जिले की चोन बिना जलंधर तो कर चुके हैं। हम तक 14वां जिला जी की चोन हो चुकी है, 23 जिले आ साढ़े को, 9 जिले साढ़े बाकी है चोन होने वाली। इस तो नैक्सट है जो असं अमृतसर की चोन कर लगे हैं, जल्दी भी हो सकता कि इस आने वाले हफ्ते के। सो साथियों सानू लोड़ है लामबंद होने की, क्योंकि सानू सबनों सारे पता है कि दर्जा 4 कर्मचारियों इंसान समझा नहीं जाता। साड़ी कोई भी लैटर भी आए स्कूल के जिस हिसाब से आप पहला गल कर चुके हैं कि साड़ी कोई लैटर भी आती है तो सानू दस्या नहीं जाता कि थोड़ी आ कोई थोड़े फायदे की आ गई जी, कोई इनफॉरमेशन मंग ली है संबंध में सानू दस्या नहीं जाता। वर्तमान गच्छाधिपति शांति दूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी की आज्ञा अनुवर्तिनी शांत स्वभावी विदुषी साध्वी संपत श्री जी की शिष्याएं सरल स्वभावी साध्वी चंद्र यशा श्री जी, प्रवचन दक्षा साध्वी पुनीत यशा श्री जी की पावन निष्ठा में श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर किचलू नगर में श्री आत्मानंद जैन महासमिति की ओर से श्री आत्मानंद जैन सभा के तत्वाधान में श्री पार्श्व पद्मावती महापूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसका लाभ लाला श्री इंद्र प्रकाश सतपाल सुभाष जैन मैसर्ज जैनसंस एंड संकेश्वर ग्रुप ने लिया। कार्यक्रम में हेमा जैन, दिव्या जैन, सौरभ जैन ने माता पद्मावती के भजनों का गुणगान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गुरु भक्तों, श्रवक श्रविकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद लाभार्थी परिवार की ओर से साधर्मिक वात्सल्य का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर विनोद जैन, अरुण जैन, सुरेंद्र मोहन जैन, कोमल जैन, विनोद जैन, सीए राहुल जैन, किरण जैन, महावीर, रमेश जैन बरड़, प्रवीण जैन दुग्गड़, जोगेंद्र पाल जैन, राजकुमार जैन स्वास्तिक, मुकेश जैन सहित समूह जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। पद्मावती माँ, जो कि हम जब जब भी पद्मावती माँ को याद करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा होता है कि देव हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे या ना करे, लेकिन जो माँ होती है, माँ का हृदय अपने बच्चों के प्रति वात्सल्यमय होता है, वहां माँ अपने बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करती है। ऐसे पद्मावती माता, जो कि हमारी पार्श्वनाथ परमात्मा की अधिष्ठाई का देवी, उनका हम जल के द्वारा पूजन किया, अब गंध के द्वारा चंदन पूजा करेंगे। और जंगम ऐसे विकार वाले विश्व को सदा सर्वदा नष्ट करने वाली और प्रगट प्रगट रूप दिखाने वाली श्रेष्ठ मनुष्य द्वारा वंदित व पूजित ब्रह्म रूपी स्वरूप में सदा रहने वाली योगेंद्र द्वारा प्राप्तव्य पद में भक्ति स्वरूप एवं सुरभित और सुंदर चरण वाली हे पद्मावती माता, आज मैं तेरी सुगंधित द्रव्यों से पूजा कर रहा हूँ। प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित महान गुरमति समागम झंडियाला गुरु के शहीद उधम सिंह चौक में शहर निवासियों के सहयोग से करवाया गया, जिसमें भाई रंजीत सिंह, भाई सुखजीत सिंह, भाई वरिंदर सिंह हजूरी रागी जत्थों तथा कथावाचक भाई हरप्रीत सिंह, भाई बलदेव सिंह और भाई सरबजीत सिंह ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा एवं अंत में गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। धन साहब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित अज दा इह महान गुरमत समागम शहीद उधम सिंह चौंक दे विच बहुत श्रद्धा भावना ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ
करवाया गया। खुले पंडालों के विच धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के प्रकाश किए गए। रहराज साहब जी की पावन बाणी के जाप होए उपरंत गुरु घर के कीर्तनिया ने सरबत संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल किया, जिथे गुरु घर के कीर्तनिया ने संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल किया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। नाभा के गांव अभेपुर के नजदीक ट्रैक्टर चालक की गलती के कारण हुई दुर्घटना, एक लौते बेटे की हुई मौत। फगवाड़ा सिटी थाना पुलिस ने मेडिकल स्टोर चलाने वाले एक आरोपी को किया काबू। भीखीविंड की नगर पंचायत ने बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए नाजायज कब्जों को छुड़वाया, एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी लिखित रिपोर्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।